मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भाई ये बीच वाली सीट जो है ये भी रिक्लाइन होती है। कई लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ रिक्लाइन होना और थोड़ा सा बैंड होने में क्या फ़र्क होता है। ये जो सीट देख रहे हैं हम, जो ड्राइवर की है और को पैसेंजर की है, यस ये रिक्लाइन होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिक्लाइन। मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये रिक्लाइन क्यों होती है? अब जो ड्राइवर है वो रिक्लाइन करके क्या करेगा? रिक्लाइन करते हुए गाय ड्राइव नहीं कर सकता। सोने का उसका जुगाड़ मुझे समझ नहीं आता, ड्राइवर सोएगा क्यों? बीच वाली सीट जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं पीछे, वो सीट रिक्लाइन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ रिक्लाइन होना। फ्रेंड इसको कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ सीट पे, अब आप देखना ये है रिक्लाइन। इस सीट को आप लेट सकते हो पूरा। ये रिक्लाइन सीट हो चुकी है आपकी, इसे वो कहते हैं रिक्लाइन होना। देख लीजिए आप, ये सीट पूरी की पूरी आपकी रिक्लाइन है पीछे की तरफ। अब ये जो मैं इस गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ फ्रेंड, ये इसकी मैक्सिमम है, लिमिट है इसकी। मैंने पूरा का पूरा इसको, ये आप लोगों ने कहा था, इसको मैंने प्रेस किया, दिस इज़ मैक्सिमम। इतना मैक्सिमम है, जब आप बैठते हो तो आप ऐसे बैठते हो। दिस इज़ नॉट रिक्लाइन, ये सिर्फ थोड़ी सी सीट बैंड हो रखी है। रिक्लाइन होती है आपकी पहली और दूसरी जो रो की सीट है वो बिल्कुल रिक्लाइन हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा करके, ये देखिए इसे रिक्लाइन होना कहते हैं। अगर पीछे वाली डिग्गी में सामान नहीं रखा हो और ये सीट पे जिसमें मैं बैठा हूँ अगर वो भी ऐसे रिक्लाइन हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि जब पैसेंजर यहाँ बैठता है आगे वाला ड्राइवर और को पैसेंजर को सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ड्राइवर शिफ्ट होते हैं या मान लो कोई दूसरा ड्राइवर बैठता है तो पीछे वाले ड्राइवर को, जो पीछे बैठा है उसको आराम के लिए अगर ये सीट भी, ये मैक्सिमम मैम आप देख लो, दिस इज़ मैक्सिमम, ये काफ़ी कम लगी मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं बैंड हो रही है वो, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ओवर बैंड हो जाती तो हो जाता, लेकिन चलो हो सकता ऊपर वाले मॉडल में आते हो। बट ये जो है, जो कुछ हो रखा है अभी आप देख रहे हो, इसे रिक्लाइन कह लो या बैंड होना कह लो, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ये नहीं होती है। फर्स्ट रो की सीटें हैं ड्राइवर और को पैसेंजर, वो प्रॉपर तरीके से रिक्लाइन होती हैं, काफ़ी नीचे एंगल हो जाते हैं। लेकिन ये वाली सीट है, ये वाली सीट को आप पूरी तरह से, ये जो मैंने किया हुआ ये मैक्सिमम, मैंने इसको बैंड किया हुआ है। जो भी हम व्लॉग बना के डालते हैं तो भैया अच्छी बात यह है कि महिंद्रा उसको मॉनिटर करता है और नज़र बना के रखता है उसके ऊपर। मेरे पास फ़ोन आ गया है कि कौशिक जी आपकी गाड़ी का ट्रिप ए और बी आर जो हो रहा है ज़ीरो बार बार, इसके लिए वो कंसर्न टीम से बात कर रहे हैं। दिल्ली ब्रांच से मुझे फ़ोन आ गया है और वो जो विवेक कोटक जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कंसर्न है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो। तो फ्रेंड ध्यान रखना, महिंद्रा और टाटा दोनों ही अच्छे ब्रांड है और वो अपनी सर्विस को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। टाटा ने तो काफ़ी हद तक कर रहा है और महिंद्रा भी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात यह है, गाड़ियाँ इतनी हाईफाई आ गई हैं, इतने सिस्टम्स में आ गए हैं, इतने सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गए हैं कि ये भी लर्न कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। बट हाँ, महिंद्रा का कोई भाई आज सर्विस वाला देख रहा तो प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाओ, और जब महंगे महंगे लोग प्राइस दे गाड़ी खरीद रहे हैं तो थोड़ी सर्विस, अच्छी सर्विस की वो उम्मीद आपसे करते हैं, लेकिन मॉनिटर की जाती है। मैंने आपको दिखा दिया रिक्लाइन सीट क्या होती है और बैंड होना क्या होता है। रिक्लाइन सीट होती है भाई प्रॉपर आपकी, ये इसे कहते हैं रिक्लाइन होना। ये होगी रिक्लाइन, मैं लेट गया, लेकिन यहाँ पर लेटने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भैया? जो गाड़ी बंदा, जो ड्राइवर है, क्या उसको सुलाना है आपने? लेकिन सुलाना किसको चाहिए? आपको सुलाना चाहिए जो पीछे, जो थक के जो ड्राइवर बैठा है उसके लिए करना चाहिए। ये भी सीट पूरी जो आपकी को पैसेंजर की है, ये भी सीट पूरी तरह से रिक्लाइन हो जाती है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भाई, मेरे व्यूअर मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, कौशिक जी ये सेटिंग आप चेंज कर लीजिए तो आपकी गाड़ी का ये जो प्रॉब्लम है इशू हो जाएगा। वो मुझे बता रहे हैं, जैसे कि मैं इस गाड़ी में बताता हूँ आपको क्या करने की बोल रहे हैं। वो भाई मुझे बोल रहे हैं ये, जैसे कि आपके एंटर द सेटिंग मेन्यू आ गया, सब बता रहे हैं कि आप मेन्यू में जाइए और आप जाइए AFE ऑटो रीसेट में, और वो सब मुझे बोल रहे हैं कि ये जो मैंने ऑफ, ऑलरेडी मेरा ऑफ है भैया, लोग बोल रहे हैं जी आपका आफ्टर इग्निशन हो जाएगा, आफ्टर रिफिलिंग हो जाएगा, इसको आप ऑफ कर दीजिए, ये ऑलरेडी मेरी गाड़ी में ऑफ है, ये देख लीजिए ऑफ है। तो भाई ये तो मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है, तो लोग यही बताने की कोशिश कर रहे थे, तो देखते हैं कि अब ये ट्रिप प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, बाकी कंपनी खुद सॉर्ट आउट कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे पास फ़ोन आ चुका है, तो जल्दी जो होगा आपसे अपडेट शेयर किया जाएगा। लेकिन ये मैंने सेटिंग ऑलरेडी ठीक कर चुकी है। फ़ोन आया था भाई का मेरे, वो मैं समझा था ऑलरेडी ऑफ है, और कोई तरीका है तो मुझे बता देना, बट फिलहाल
ये इशू है इसमें, परचेस कर रहा, लेकिन वो भी ठीक है, जल्दी हो जाएगा सॉर्ट आउट, होते आपसे शेयर कर लिया जाएगा। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं कौशिक जी आप PPF का कराओगे कि नहीं कराओगे, तो फ्रेंड मैं बता दूं मेरा फ़िलहाल PPF कराने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि इसमें 1-1.5 लाख रुपए या पैसे खर्चो इसके ऊपर। वैसे 60,000 रुपये तक का मुझे ऑफ़र हो चुका है, बट मैं अभी इसमें PPF नहीं करा रहा, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे तो मन में ये आ रहा है कि हर सर्विस पे ना 2,000 रुपये लेते हैं वो, और पूरी की पूरी इसकी पॉलिश दोबारा से कर देते हैं गाड़ी की भैया, बट मेरे पास अभी पैसा, मैं चाहता नहीं कि मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊं, तो PPF कराने का मेरा अभी कोई फ़िलहाल मूड नहीं है, ना मैं इस पर कोटिंग करा रहा हूँ कोई, ना PPF करा रहा हूँ, ऐसे ही अपनी गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ फ्रेंड। एक व्यूअर भाई ने मुझसे पूछा था, कौशिक जी आपने 18 इंच अलॉय लगाने को क्यों मना कर रहे हो? मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि 17 इंच के अलॉय ही लगे रहने दीजिए, और 17 इंच के लगवाइए, 18 इंच से आपकी माइलेज में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता बट फ़र्क पड़ता है, तो ये भी मैसेज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 18 इंच की बजाय 17 इंच रहने दोगे तो पैसे भी बचेंगे आपके और माइलेज भी अच्छी मिलती रहेगी। और मेरा इस गाड़ी के अंदर सीट कवर चेंज कराने का कोई मूड नहीं है, और बिल्कुल भी इस पर मुझे और पैसा नहीं लगाना, बल्कि पैसा होगा तो मैं इससे कोई छोटा मोटा ट्रिप मार के आ जाऊँगा। हाँ, कैमरा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए सीट कवर्स को भी, बट मेरा अभी लगाने का कोई मन नहीं है। अच्छा ऑफर आएगा तो मैं इसमें सीट कवर जरूर लगवा लूँगा। हाँ, कैमरे की मेरी बात चल रही है, कैमरा आएगा ज़रूर लगाऊँगा, और एक क्रोम और लगवाना है जो कि गेट के ना स्टेज लगता है, वो क्रोम मेरा लगाना रहेगा, वो भी मैं लगवाऊँगा, और जो क्रोम चिप निकल रहा है वो भी मैं चिपकवाने की कोशिश करूँगा, पर ज़्यादा मेरा खर्चा करने का गाड़ी के पर मन नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि गाड़ी मैंने भैया फिर मैं टॉप एंड मॉडल खरीद लेता यार, अगर मुझे सब कुछ चेंज कराना था तो वही कराऊँगा जो ज़रूरी चीज़ें। मैं फ़िलहाल मेरी गाड़ी में 19,80,000 रुपये के आसपास खर्च हो चुका है, और 20,000 रुपये के आसपास खर्च हो, 20 लाख रुपये से ऊपर टपने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको मैसेज दे दिया है। बाकी भैया गाड़ी पर तो आप 20 लाख रुपये और खर्च कर सकते हो, चॉइस आपकी है, लेकिन काफ़ी काम करा लिया और मैं काम से सेटिस्फाइड भी हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोई काम कराते हो तो प्लीज़ वही कराना जो आपको ज़रूरत है, ज़्यादा हम यूट्यूबर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो अपनी अलग दुनिया है, अलग मजबूरियाँ होती हैं, आप वही आप इसमें मॉडिफिकेशन कराइए जिससे आपकी वारंटी ना ख़राब हो, जो ज़रूरी हो। फॉग लैंप आप चेंज करा लेंगे तो अच्छा रहेगा, अभी सेंसर भी मैंने नहीं लगवाया है, देखता हूँ सेंसर होगा तो उसको भी मैं जल्दी शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग, ऐसे ऐसे खट्टे मीठे आपको इनपुट्स मिलते रहेंगे, और भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी देखिए इस जा रहा हूँ भीड़ भाड़ में से मैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ना तो मुझे कैमरे की अभी ज़रूरत पड़ रही है, ना ही मुझे किसी और चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही कमांडेबल गाड़ी है भाई ये, मतलब पता नहीं मैंने ऐसी लग्जरी गाड़ी चलाई नहीं है, पहली बार चला रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वैल्यू फॉर मनी है 20 लाख में, स्कॉर्पियो एंड Z4। तो मैंने एक भाई को बुलाया है अपने, जो कि सफारी के ऑनर हैं, और वो इस गाड़ी को, सफारी को मैं चलाऊंगा और वो चलाएंगे स्कॉर्पियो एन को, ऑटोमेटिक को, उनकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भाई कि उनको क्या फील आता है, बिल्कुल रॉ बनाऊंगा, रॉ जो वो बोलेंगे आप शेयर करूंगा, सफारी वाले चलाएंगे इसको और मैं चलाऊंगा उसको, और आपसे एक रॉ व्लॉग बहुत जल्दी शेयर किया जाएगा। जैसा महिंद्रा ने प्रॉमिस किया था कि 25,000 गाड़ी देने के बाद, या जो भी उन्होंने फर्स्ट डे बुकिंग की थी, हम इन गाड़ी का प्राइस बढ़ा देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली Z4 का प्राइस ऑल इंक्लूसिव 1 लाख के आसपास बढ़ चुका है, 18,40,000 की पड़ी थी मेरे को ऑटोमेटिक, अब वो 19,40,000 की पड़ेगी भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई गाड़ी आपने ली और रेट बढ़ जाता है, कोई मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदो और लेने के बाद प्राइस बढ़ जाता है, मज़ा तो बढ़ाता है, लेकिन दुख ये भी होता है कि भाई लोगों ने बुक की हुई है जो इंट्रोडक्टरी प्राइस में नहीं है, अब उनको 1 लाख रुपये महंगा देना पड़ता है, थोड़ा दुख तो होता ही है भाई, लेकिन चलो कोई नहीं, हम तो चलो बच गए, पर और एक बात और है भाई, गाड़ी नहीं मिल रही लोगों को यार, गाड़ी के लोग वेट कर रहे हैं, 24-24 की डेट आ रही है, जो बंदा आज बुक कर रहा है, जो कि काफ़ी डिले है, तो महिंद्रा को प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए और फटाफट से लोगों की ड्रीम कार जो आपने बनाई है स्कॉर्पियो एन डिलीवर कर देनी चाहिए। हाँ, Z8L की डिलीवरी बुकिंग के 1-1.5 महीने के अंदर हो रही है, डीलर्स भी करवा रहे हैं टॉप एंड मॉडल को, हर आदमी
दे देता है। नीचे वाले मॉडल को गाड़ी बहुत देर में मिल रही है। टाटा वाले गाड़ी जल्दी दे देते हैं, महिंद्रा वाले यार गाड़ी के रुलाते बहुत है। पर चलो उनकी अपनी पॉलिसी है भैया, ज़्यादा गाड़ी बिक जाती होगी, कैपेसिटी नहीं है। और गाड़ियाँ भी तो बहुत सारी हैं भाई, पता ही अपनी स्कॉर्पियो है इनकी शायद थोड़ा 25 मॉडल है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे छोटे छोटे इनपुट अच्छे लगते होंगे। फुटस्टेप Z2 वालों को लगाना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। गाड़ी महिंद्रा ने अच्छी बना के दी है, बेसिक चीज़ें आपके सामने, मेरा जो क्लस्टर है ये डिजिटल, इस क्लस्टर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिल जाती है। और जितने भी सिस्टम इसमें दिए गए हैं बहुत ही ईजी टू हैंडल है। और ये गूगल असिस्ट हर मॉडल में अवेलेबल है, Z2 का मुझे पता नहीं, पर बहुत ही धांसू चीज़ है, हर गाड़ी में होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम भी बड़ा बढ़िया है इसका भैया, मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है भगवान की मूर्ति लगाने के लिए जगह दे रखी है, और जो चीज़ चाहिए इस गाड़ी में आपको इजीली मिल जाती है। हिल होल्ड कंट्रोल भी दे रखा आपको भैया, मोड्स भी दे रखे हैं, और क्या बच्चे की जान लोगे। रियली महिंद्रा ने बहुत अच्छी गाड़ी बना के दी है। मुझे पता नहीं पहले क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन टाटा महिंद्रा अच्छी गाड़ी बनाकर दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं बाकी कंपनियों को। सोचा शेयर कर लूँ तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, और मैं जो मेरे मन में आता आपसे शेयर कर लेता हूँ। ज़्यादा मेरे को टूट पड़ करनी आती नहीं है। बड़े लोगों से मिलने में मैंने फासला रखा, मैं दरिया था मैंने खुद को दरिया रखा, मैं दरिया था मैंने खुद को दरिया रखा। अभी आप पहचान गए होंगे मैं अभी NH8 पर हूँ, जा रहा हूँ अपने घर की तरफ।